इस यात्रा का मुख्य उद्देश्य है। सात साल के पहले हम सब लोगों ने इस भारत को स्वातंत्र प्राप्त किया। स्वातंत्र प्राप्त करते संदर्भ में स्वातंत्र का संघर्ष का नेतृत्व लिया हुआ महात्मा गांधी जी इस भारत के पढ़े लिखे सब लोगों के एक आवाहन दिया गया था, गांव की ओर चलो, गांव का रक्षा करो, गाय का रक्षा करो, गाय और ग्राम का रक्षा के माध्यम से भारत को ग्राम राज्य की ओर ले जाओ, ग्राम राज्य से भारत को राम राज्य बनाओ। परंतु स्वातंत्र प्राप्त करने के पश्चात इस स्वप्न को साकार करने के लिए महात्मा गांधी जी नहीं रहे। तत्पश्चात आए हुए सब लोगों ने इस स्वप्न को साकार करने के बदले इस स्वप्न का सही विरुद्ध दिशा में भारत को ले जाने का प्रयास किया। इसलिए इस यात्रा का आयोजन किया हुआ, भारत के सभी संत शक्ति इस यात्रा के बारे में कहा है, ये केवल यात्रा नहीं है, ये भारत का सही स्वातंत्र संग्राम है। इस वाक्य से समझेगा, सही स्वातंत्र संग्राम है कहने के पश्चात क्या आज हमने पाया हुआ स्वातंत्र सही नहीं है, ये प्रश्न स्वाभाविक उठेगा। हां, सही ढंग से अंतःकरण के ऊपर, आत्मा के ऊपर हाथ रखकर चिंतन करेंगे तो हमने सही स्वातंत्र पाए नहीं है। तंत्र शब्द का अर्थ होता है नीति, स्वातंत्र का अर्थ होता है अपना नीति, भारत का नीति। परंतु गत 60 साल के अंदर हम सब लोगों ने एक गलत रास्ते में, गलत दिशा की ओर, गलत लक्ष्य लेकर चलते आ रहे हैं। आज भारत का किसी नीति को थोड़ा आप गंभीरता से देखें तो वो सब नीतियां सब विदेशी है। जगदम्बा है, महालक्ष्मी है, अन्नपूर्णा है, और इसके लिए सूर्य भगवान ने यहां मां भगवती के त्रिकोण की सृष्टि की है। एक कोना है घर की माता, दूसरा कोना है गौ माता, तीसरा कोना है धरती माता। भारत और भारत ही दुनिया में एक स्थान है जहां ये त्रिकोण हमेशा सक्रिय रहता है। घर की माता गौ माता की सेवा करे, धरती माता की सेवा करे, बदले में गौ माता घर की माता को उसका भोजन दूध दे और धरती माता को उसकी खुराक गोबर गोमूत्र दे, और सूर्य भगवान के आशीर्वाद उनकी गर्मी के कारण भारत में जो गोबर गोमूत्र जमीन पर पड़ता है गंगा मैया जो गौ माता के द्वारा वो खाद बनने की क्षमता रखता है। इंग्लैंड में गाय अगर गोबर देती है तो वहां सूर्य की गर्मी नहीं होने के कारण वो खेती के काम नहीं आ पाता है, खाद नहीं बन सकता है। बदले में भारत में धरती माता गौ माता के लिए चारा और घर की माता के लिए अनाज देती है। ये त्रिकोण हमेशा सक्रिय रहा, इसलिए भारत में किसी भी प्रकार की कमी नहीं हुई। भारत में 39,000 किस्म के पेड़ पौधे और 85,000 किस्म के पशु पक्षी कीट पतंग होते हैं जो दुनिया में कहीं नहीं होते हैं। 2% जमीन पर 16% जीव जंतु हो ये दुनिया में और कहीं नहीं होता। इस त्रिकोण के कारण भारत में जो समृद्धि होती चली गई, इसके कारण ही भारत सोने की चिड़िया कहलाया। क्योंकि भारत में सब कुछ होता है, इसलिए विदेश में बेचने के लिए जो चीजें यहां से ले जाते थे वो लाए क्या वापस, वो वहां से खरीद कर लाने लायक कोई बात कोई सामान बातें ही नहीं थे। वहां से लाते थे सोना और चांदी। इसलिए भारत को पूरी दुनिया
दुनिया में सोने की चिड़िया कहा जाने लगा। ये हालत 200 वर्ष पहले तक थी दोस्तों, क्योंकि ये त्रिकोण सक्रिय था, इसमें कोई बाधा नहीं थी। घर की माता, गौ माता और धरती माता तीनों का विशेष स्थान भारत में रहा, इसलिए हमारे देश में समृद्धि और संस्कृति दोनों रही है। 200 वर्षों से इसमें घाटा हुआ, 200 वर्षों से विशेष इस पर बाधाएं आई। जब यहां इस्लामी शासन आया तो वे लोग तो सभी प्रकार का मांस भक्षण करते थे, केवल गोमांस का भक्षण नहीं करते थे। मगर जब अंग्रेज आए, उनका मुख्य भोजन था इंग्लैंड में गोमांस। वही आदत होने के कारण जब इंग्लैंड के लोग यहां शासन करने आने लगे तो उनको चाहिए था गोमांस। गाय बैल वो इंग्लैंड से जहाज में लाद कर ला नहीं सकते थे, इसलिए भारत में उन्होंने गौ के बारे में तरह तरह की बातें कहनी शुरू की। अरे गाय में कौन सी खास बात है, जैसे बाकी के जानवर वैसे गाय। और दूध की तुम कहोगे, अरे गाय के दूध से ज्यादा गाढ़ा तो भैंस का दूध होता है, तो भैंस का दूध क्यों ना लो। ये बातें उन्होंने प्रचारित की क्योंकि उनको गाय का महत्व घटाना था, बाकी केवल गोमांस उनका मुख्य भोजन था। दोस्तों इसी बात के कारण भारत में उनका विरोध हुआ। गाय के मांस की चर्बी और सूअर के मांस की चर्बी को लेकर ही 1857 में भारी लड़ाई छिड़ी। उसके भी पहले हमारे देश में सिख संप्रदाय के ही गुरु राम सिंह जी ने गौ रक्षा के लिए सबसे बड़ा देश भर में आंदोलन खड़ा किया था। कितने शहीद हुए हैं, कितने लोगों ने अपनी जान कुर्बान की है गौ माता के लिए, इसके लिए इतिहास में सबसे सुनहरा पृष्ठ अगर होगा तो नामधारी सिख संप्रदाय का होगा। मित्रों हजारों लोगों ने, इसमें छोटे बालक ने भी खड़े होकर अपने पिता के कंधे पर सवार होकर तोप के गोले के आगे खुद शहीद होना कबूल किया, लेकिन गौ रक्षा मैं नहीं करूंगा ये स्वीकार करने को वो तैयार नहीं हुआ। शंकराचार्य परंपरायाम समागतानाम गुरु पुंगवानाम अनारतम पूज्य पदार विंदे नमः सदा स्वात्मनि संस्थितानाम। यदा सर्वमिदं व्याप्तं जगत् स्थावर जंगमं तां धेनुं शिरसा वंदे भूत भव्यस्य मातरम्। विश्वजननी, विश्वपावनी, विश्वपोषिणी, श्री गौ माता के चरणों में कोटि 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 प्रणाम समर्पण करते हैं। हम भोपाल में है, जब ये भोपाल शब्द सुन रहे थे मन में दो और शब्द आ रहे थे बार बार, भोपाल और गोपाल, ये दो शब्द बार बार मन में आ रहे थे। भोपाल शब्द में एक व्यंजन का फर्क में भोपाल शब्द है, और भोपाल शब्द में एक एक अक्षर का फर्क से गोपाल शब्द होता है। भोपाल और गोपाल, एक स्वर का फर्क से गोपाल शब्द, एक व्यंजन का फर्क से भोपाल शब्द, भोपाल शब्द। हम सोच रहे थे देश में इतने लोग हैं, इतने जीव हैं, सब भोपाल बनना चाहते हैं, गोपाल बनना नहीं चाह रहे, भोपाल बनना चाह रहे, एमएलए बनना, मिनिस्टर बनना, चीफ मिनिस्टर बनना, अमीर बनना, बड़ा बड़ा डॉक्टर इंजीनियर बनना, यही सोच रहे हैं, गोपाल बनना नहीं चाह रहे। भोपाल में वैभव होता है, भोपाल के पास वैभव होता है, अधिकार होता है, धन होता है, गोपाल के पास शांति होती है, प्रेम होता है, समृद्धि होती है, तृप्ति होती है,